नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र NIS और वर्ल्ड एथलेटिक्स लेवल 1 क्वालिफाइड कोच। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, मतलब कि जो अपनी डाइट अरेंज नहीं कर पाते हैं, जो स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, जिनको हमेशा ऐसा रहता है कि हाँ हमें स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करियर बनाना है, हमें नीरज चोपड़ा जैसा बनना है, ठीक है, हमें PT उषा जैसा बनना है, तो ऐसे बच्चे अपने आप को किस तरह से ग्रो करें। मेरे पास में कमेंट्स भी आए थे और मेरे को पर्सनल मैसेज भी आए थे कि सर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी सही नहीं है, हमारे पास में पैसा नहीं है, तो हम किस तरह से अपनी स्पोर्ट्स की जर्नी को स्टार्ट करें। और अभी हमारी हमारी उम्र 14 साल हुई है, 15 साल हुई है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जो 26 27 साल की उम्र में स्पोर्ट्स करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो सबसे पहले मैं आपको एक जो सबसे ज़रूरी कंडीशन है वो आपको बता देता हूँ। जब तक आपके पास में कोई भी मेडल नहीं रहेगा, स्टेट गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, अगर आपके पास में नहीं रहेगा तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा और आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट अकेडमी में या फिर साई अकेडमी में ट्रायल नहीं दे सकते हैं। बट इसके लिए भी तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, क्योंकि स्टेट में गोल्ड मेडल बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हर कोई गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बनता है। तो इसलिए आपको किस तरह से स्टार्ट करना है। आपकी एज 14 साल हुई है, 15 साल हुई है, कुछ बच्चे बोलते हैं हमारे पापा नहीं हैं, या फिर हमारे पापा मजदूरी करते हैं, हमारे पास में इतना पैसा नहीं है कि हम डाइट अरेंज कर पाएँ। तो आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा। जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, सबसे पहले उन्हें स्टार्ट करना पड़ेगा अपना स्पोर्ट्स, ठीक है। जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी ग्राउंड है या फिर जो भी सिंथेटिक ट्रैक है या फिर कैसा भी ट्रैक है, ठीक है, ये स्पेशली एथलेटिक्स वालों के लिए नहीं है, ये हर गेम के लिए है। आप स्टार्ट तो करो, अगर आप जिस दिन स्टार्ट करोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आपको लोग ग्राउंड में देख के, आपकी कंडीशन को देख के कि हाँ ये बच्चा बहुत एफर्ट लगाता है, बहुत मेहनत करता है, तो कुछ लोग आपको स्पॉन्सर्ड कर देंगे। कोई आपको 1000 रुपये दे देगा, कोई आपको 5000 दे देगा, कोई 10000 दे देगा। क्या पता जो कोच आपको ट्रेनिंग करवा रहे हैं, क्या पता वही आपको सपोर्ट कर दें कि इस बच्चे की जितनी भी डाइट का खर्चा है वो मैं उठा लूँगा, बस बच्चा मेहनत करे। आपको सबसे पहले ग्राउंड में जाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और कोई भी टारगेट ओलंपिक का नहीं होता है, सबसे पहला टारगेट हमारा डिस्ट्रिक्ट मेडल का होता है। काफ़ी बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं हमें ओलंपिक में मेडल देना है, तो सबसे पहले हमारा टारगेट है डिस्ट्रिक्ट में मेडल का। आप डिस्ट्रिक्ट में मेडल दे दोगे, उसके बाद में नेक्स्ट आपका स्टेट का टारगेट। तो सबसे पहले क्या हो गया, आपको कोई ना कोई स्पोर्ट्स शुरू करना पड़ेगा, चाहे आप 13 साल के हो, चाहे आप 20 साल के हो। बट इसके बाद में एक कंडीशन और आती है, अगर आप 26 27 साल के हो गए हो तो ऐसा नहीं है कि आप स्पोर्ट्स नहीं कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये हमारी जो यंग एज है वो 26 27 तक ख़त्म हो चुकी होती है एक स्पोर्ट्स पर्सन के हिसाब से। उसके बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते, अगर आप मेहनत करोगे तो बिल्कुल होगा, बट मुश्किल होगा। जो बच्चा 18 साल में कर सकता है, जो बच्चा 14 साल में कर सकता है, वो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको टाइम लगेगा। आप 27 साल की उम्र में कर रहे हो, आपको तैयार होते होते कम से कम भी 32 साल की उम्र हो जाएगी। तो इसलिए डिफ़िकल्ट है बट मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताई, ये हो गया कि बच्चे को स्टार्ट कैसे करना है। इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है, जब तक आप कहीं भी मेडल नहीं दोगे तब तक आपको कोई नहीं पूछेगा, और जिस दिन आपने मेडल दे दिया, आपने स्टेट में गोल्ड मेडल दे दिया, तो आपके पास में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, ना ही आपके पास में डाइट की कमी रहेगी, ना ही आपके पास में पैसे की कमी रहेगी, ना ही आपके पास में ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी कि हमारे पास में ग्राउंड नहीं है या फिर हमारे पास में कोच नहीं है। आज के टाइम में आप देखते होंगे, अभी मेरे कुछ बच्चे भी गए हैं साई का ट्रायल देने, NCOE का ट्रायल देने, जो हमारे एक इंडिया की जो सबसे बड़ी संस्था है वो साई है, और उसमें नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का ट्रायल देने गए हैं, क्योंकि उसके पास मेडल था, वो सिर्फ इसलिए गया। और बच्चे क्यों नहीं गए, क्योंकि उनके पास मेडल नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले आपके पास में मेडल होना ज़रूरी है, आप उसके लिए मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, वो ज़रूर होगा। साई आपका पूरा खर्चा उठाती है, आपके रहने का, खाने का, आपके प्रैक्टिस का, आपके अच्छे अच्छे कोचेज, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। और जो स्टेट गवर्नमेंट अकेडमी है, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, नर्सरी हैं,
नर्सरी में आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है और महीने के 2500 रुपये 2000 रुपये दिए जाते हैं। आप उसमें भी अपनी डाइट को अरेंज कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छी बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक नर्सरी होती है, या तो एक नर्सरी होगी या फिर दो नर्सरी होगी हर गेम की। तो आप उस नर्सरी में जाके सेलेक्ट होके वहाँ पे गेम कर सकते हैं। वहाँ पे 2500 रुपये का आपको वजीफा मिलता है, मतलब आपको पैसे मिलते हैं, आपको इनाम मिलता है, हर महीने की स्कॉलरशिप होती है वो। ठीक है, ये हो गया एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, जहाँ पे आप अपने घर पे रह के भी ट्रेनिंग कर सकते हैं स्टेडियम में जाके। इसके बाद में अगर आपके पास मेडल है तो आप मेडल के बेस पे स्टेट की गवर्नमेंट अकेडमी में जा सकते हो, साई में जा सकते हो, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट अकेडमी में जा सकते हो, चाहे कोई भी स्टेट हो वो। ठीक है, एक तो हो गया ये। अब जिस दिन आपका मेडल आ जाता है नेशनल में, स्टेट में, तो आपको स्कॉलरशिप देता है आपका स्टेट। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो स्कॉलरशिप है वो है राजस्थान में, और जॉब भी है हरियाणा में है। तो जिस दिन आप मेडल देते हो, स्टेट मेडल देते हो, नेशनल मेडल देते हो, तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अब उस स्कॉलरशिप में 1 लाख 1 लाख रुपए भी मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने वो नॉर्म्स बने हुए हैं, वो डिसाइड कर रखा है प्राइज मनी कि हाँ इसका ये गोल्ड मेडल आया तो इसको ये पैसा मिलेगा। जैसे कि हमारा बच्चा है शाकिर मलिक 1500 मीटर का, तो उस बच्चे को अभी गोल्ड मेडल जूनियर नेशनल का 1.5 लाख मिलेगा और खेलो इंडिया का 1 लाख मिलेगा। ऐसी लड़की है वो चंचल जाखड़, तो उस लड़की को भी 75,000 जूनियर नेशनल का मिलेगा और खेलो इंडिया में सिर्फ पार्टिसिपेट हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, बट वो मिलेगा मेडल के बाद, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। और इसके बाद में जो हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो है कि अगर आपकी एज 14 साल है, 20 साल है, 25 साल है, क्या आप स्पोर्ट्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया डिफ़िकल्टी आएगी, बट बिल्कुल कर सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने आपको समझाई हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप मेरे से कुछ चीज़ें पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ये साइड में देख रहे हो, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप यहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी एकेडमी में आना है तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव में मेरी एकेडमी है, आप यहाँ पे आके ट्रेनिंग कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। Do da do da do, do da do da do, do da do da do, do da do da.